जो आपकी जान में खुद ने स्टार बतावे है, पूरी दुनिया के मुंह ते गाली खावे हैं, और बैठ के ना इंस्टाग्राम पर जो लाइव आवे हैं, उन सब तक कहना चाहूंगी, शरमा लो क्यों अपनी पीढ़िया ने बर्बाद करो हो, शरमा लो क्यों अपनी पीढ़िया ने बर्बाद करो हो, और जनता के बीच में क्यों ऐसा मैसेज फॉरवर्ड करो हो जिसने देख के न शर्म आवे है। और हम भी न्यू सोचा हाँ कि किसी किसी हरियाणवी पैदा हो जाए, मैं मारी हरियाणवी बोली सियान है मारा अभिमान है, इसने मिट्टी में ना मिला हो रही, मारी हरियाणवी बोली मारा मान है और मारी सियान है, इसने मिट्टी में ना मिला हो रही, और जो तमने बोलना ही नहीं आंदा नहीं तो भाई वो लाइव ना हो रही। आम भी देखा हाँ, शर्म आम भी महसूस करा हाँ, और इंस्टा तो आम भी चलावा हाँ, लेकिन कुछ दायरा में रह के नहीं इस इंस्टा के ऊपर आवा हाँ। अपनी पिछाण अपनी बोली है, अपनी पिछाण अपनी संस्कृति है, और अपनी पिछाण अपने संस्कार है, उन संस्कार ने काबू रखो, उन संस्कार के ऊपर चलते हुए कोई भी प्लेटफॉर्म चलाओ, हम मना नहीं कर दे आप लोगों ने, लेकिन कम से कम इतनी अपील और इतनी आशा और इतना विश्वास जरूर चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा सा प्रयास करोगे इस बेउदगी से बाहर आने की, आप अपनी पीढ़िया ने थोड़ा सा समझाने का प्रयास करोगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी की खातिर आप एक आईकॉन बनते जान लग रहे हो। आपने देख के ना जो आपका ग्रुप है इंस्टा पे, बहुत सारे युवा साथी है, बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे आवे है, और वो इन्हें सोचे कि आपने यदि थोड़ा सा भी कुछ मानना है तो वो आपने फॉलो करने की कोशिश करे है, और जब वो आपने फॉलो करे है तो आप उन्हें देड़ के लाग रहे हो, सबसे पहला यह सोचो, आप करण के लाग रहे हो सबसे पहला यह सोचो, और सबसे पहला यह बात जरूर सोचो कि तारी कही गई बातें तय आने वाली पीढ़ी के ऊपर की असर पड़ेगा, तामे जो इंस्टाग्राम पे बैठ के ने कहने लाग रहे हो उनका इन बालक बालका पे की असर पड़ेगा। खास तौर पर उम्मीद और आशा सिर्फ यही करूं कि थोड़ी सी सद्बुद्धि आप लोगों ने परमात्मा देवेगा भाई, ऐसी बातें करने की यदि आपको ऐसी ही बातें करनी है तो सोशल मीडिया पर आके तो जमा ही ना करो करो। ये बहुत सारे साथी न्यू भी कहेंगे कि तुमने सुनना के जरूरी है, यदि बुंडा लग गया है तो भाई मामे स्वाइप करा जब तारी वीडियो क्यों क्यों आगे आए जावे है, क्योंकि ये क्या करे ना कि बुराई है उसकी स्पीड अनलिमिटेड हुआ है, अच्छाई बहुत स्लो 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 चल के किसी मंजिल पर पहुंचा करा है, लेकिन बुराई की जो स्पीड है वो अनलिमिटेड हुआ है, वो बेशक तो आपने एक बार ऊपर जरूर लेके जाओगी, लेकिन वो इतनी दोगुनी ताकत आपने नीचे फेंकेगी कि आपने बहुत बुरा लगेगा, और आपका दौर एक टाइम ऐसा होगा आपने सोचोगे कि हाँ मैंने गलत करा था, शायद मैं इस रास्ता पे ना जाता तो आज लोग मने अच्छा कहते, शायद इस रास्ता पे ना जाता तो मन देख के जो बालक सीखे आने वाली पीढ़ी मेरे कारण थोड़ी दो गाली ना सीख दी, थोड़ा सा मेरे कारण आने वाली पीढ़ी जो है वो बुराई की तरफ ना बढ़ती। तो आप सबका एक अपील कर सकूं, आपने ऑर्डर देने का तो मेरा कोई हक है नहीं, आप सबका एक अपील करूं, इंस्टाग्राम हम भी चलावा, इंस्टाग्राम हमारे भाई बहन भी चलावे, इंस्टाग्राम बहुत सारे साथी चलावे हैं, उन अच्छाइयां ने देख के ना न्यू सोच लिया करो कि अच्छी बात भी इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रेंड कर सके है, अच्छी बात भी आपको आपने व्यूज दे सके है, और ये कोई सवाल नहीं है कि कोई मीडिया वाला साथी आपके सामने जाता है और वो माइक के ऊपर आपसे सवाल पूछता है कि आप पीढ़ियों को खराब कर रहे हो, तो आपका एक ही जवाब होता है कि पीढ़ियां हमें देखती क्यों है भाई, फिर इंस्टा पर बैठे क्यों है दीदी, देखने किसी ने दिखाने की खातिर ना आए तो इंस्टाग्राम पर बैठे क्यों हो। तो भाई थोड़ा सा इन चीजें अपने मन में अपने सोच के विचार के देखियो, फिर न देखियो कि तुम करण के लाग रहे हो, किस दिशा पर तुम चलन लाग रहे हो, तुमने करना के चाहिए।